ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लिए भी भारत का ये दौरा महत्वपूर्ण है। भारत के लिए गर्व करने वाली बात ये भी है कि ऋषि सुनक इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ऋषि सुनक हिंदू त्योहारों को मनाते हैं और हिंदू संस्कृति के हिसाब से जीवन जीते हैं। सुनक ने अपनी पत्नी के साथ कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा की। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. Hopefully I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we just had Rakshabandhan, so from my sister and my cousins I have all my rakhis and you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully as I said I can make up for that if we visit a mandir this time. ब्रिटेन के अंदर मुरारी बापू की राम कथा में ना सिर्फ ऋषि सुनक शामिल हुए बल्कि उन्होंने गर्व से खुद को हिंदू भी कहा और ये भी कहा कि वो भगवान राम और कृष्ण से ये सीखते हैं कि चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। बापू जय सियाराम। इट इज ट्रूली एन ऑनर एंड अ प्लेजर टू बी हियर टुडे एट मुरारी बापूज राम कथा एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस डे। Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. दुनिया में भारत वंशियों के बढ़ते प्रभाव की एक तस्वीर अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवारी की लड़ाई लड़ रहे विवेक रामास्वामी में भी नजर आती है, जो सीधे ट्रंप के लिए चुनौती बने हुए हैं। भारत वंशियों की ताकत क्या है ये समझिए। दुनिया के 25 देशों में भारतीय मूल के करीब 313 राजनेताओं ने कोई ना कोई पद संभाला है। कनाडा में तो ऐसे नेताओं की संख्या करीब 19 है, जिसमें से 8 तो सरकार में शामिल हैं। इसी तरह ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों में भी भारतीय मूल के लोगों की बड़ी भूमिका है। लेकिन ऋषि सुनक ने उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की सत्ता संभाली है जब वो सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। सुनक पर ब्रिटेन को इस दौर से बाहर निकालने का जिम्मा है और इसके लिए भारत बड़ी मदद कर सकता है। ब्रिटेन भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहता है, इसके लिए 13वें दौर की बातचीत जल्द होने वाली है। ऋषि सुनक के दौरे की ब्रिटेन के अंदर समीक्षा इसी आधार पर की जाएगी कि आखिर भारत के साथ रिश्तों का कितना लाभ सुनक ब्रिटेन को दिला सकेगा।